नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज। भारतीय सेना के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए वार्ड क्रमांक 18 के मीरा रोड पूर्व के शाखा प्रमुख मोजेस चिनप्पा ने चीन निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार करने का किया आह्वान। फैली हुई है यहाँ पर, पूरा विश्व रिसर्च कर रहा है वैक्सीन के लिए, अपने भाई बहनों को बचाने की कोशिश कर रहा है। काफी देशों में बेड्स नहीं है, इस महामारी से जूझने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे वक्त पे, ऐसे नाजुक वक्त पे चाइना अपनी गलती मानने के बजाय हमारे सैनिकों पर कायरता की तरह लद्दाख में उन्होंने अटैक किया। क्या समझते हैं चाइना के लोग हमारे देश में, जहां पर गांधी जी जैसे नेता ने नॉन वायलेंस, डेमोक्रेसी और सबर का रास्ता दिखाया है। आप लोग ये मत बोलो चाइना वालों कि हमारे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महायोद्धा ने भी जन्म लिया है और उन्होंने भी हमें पाठ सिखाया है, और उनका पाठ हमें बराबर पता है कि जब दुश्मन अपनी औकात भूल जाता है तो उसके घर में घुस के उसे कैसे शांत किया जाता है, ये भी इतिहास हमारे पास पड़ा है। तो हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। आज बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का है, कल को विश्व कहेगा बॉयकॉट चाइनीज पीपल। तुम्हारे लोगों को जब बॉयकॉट किया जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, या आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। आप कायरता से काम मत लो, अपने घर में देखो, अपने घर को झांको और अपना घर सुधारो, और इस महामारी का जो देन तुमने दुनिया को दिया है ना, इसका कोई रास्ता निकालो। जय हिंद।